जब कभी भी हम कोई नई गाड़ी खरीदते हैं तो सबसे पहला काम होता है उसमें एक्सेसरीज डलवाने का। हम सीट कवर डलवाते हैं, अलॉय व्हील्स डलवाते हैं, यानी कि अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कार के इंटीरियर एक्सटीरियर में बदलाव करते हैं। लेकिन ये बदलाव तब तक सही होते हैं जब तक सही ढंग से किए जाएं, अदरवाइज आपको नुकसान भी पहुंचा सकते हैं। आज हम आपको जेन्युइन एक्सेसरीज के बारे में बताने जा रहे हैं, मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरीज, और साथ ही ये भी बताने जा रहे हैं कि क्यों आपको अपनी गाड़ी में आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज नहीं डलवानी चाहिए और कैसे आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज आपकी कार को नुकसान पहुंचा सकती हैं। अब इन भाई साहब को ले लीजिए, आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज के पीछे पड़े हुए हैं और बहुत ही कंफ्यूज्ड हैं, इनका कंफ्यूजन दूर करते हैं। जी मैं सोच रहा हूँ बाहर से डलवा लेंगे पाजी। क्यों? बाहर से सस्ती पड़ेगी क्योंकि जेनुइन तो वैसे भी महंगी होती है। ऐसा कुछ नहीं है यार, लोगों को लगता है कि जेनुइन महंगी होती है, जेनुइन का मतलब महंगा नहीं होता, ये समझ लो पहले। जेनुइन का मतलब होता है सेफ, अश्योर्ड और रिलायबल। आओ बताता हूँ कैसे। अब देखो, कुछ लोगों को लगता है कि सीट कवर बाहर से डलवाना चाहिए क्योंकि सस्ता होता है, पर आपको बता दूं जो बाहर से सीट कवर डलवाते हो ना वो सस्ता जरूर होगा लेकिन उसकी जो फिटिंग और फिनिशिंग होगी ना वो कमाल की नहीं होगी। मारुति का डलवाओगे ना तो उसकी जो फिटिंग और फिनिशिंग आएगी बहुत कमाल की होगी। बाहर से डलने वाला सीट कवर हमेशा कहीं ना कहीं से लूज लगेगा, मतलब फील नहीं आएगा। इसलिए भाई मैं यही सजेस्ट करता हूँ कि यहीं से डलवाना है। दूसरा, कई सारे ऑप्शंस मारुति प्रोवाइड करवाता है। जेन्युइन एक्सेसरीज में आप पाओगे तो आपको सीट कवर के कई सारे डिजाइंस मिल जाएंगे। तीसरा, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, आपको पता आजकल गाड़ियों में 6 एयरबैग्स आते हैं और सीट्स में भी एयरबैग्स आते हैं, साइड एयरबैग्स होते हैं। मारुति की जो गाड़ियां होती हैं उनके जो एयरबैग वाली सीट्स हैं उसके लिए जो सीट कवर मारुति डिज़ाइन करता है, साइड एयरबैग कंपैटिबल सीट कवर्स, वो बहुत कमाल के होते हैं। और जब आप डलवाने जाओगे ना, मारुति बहुत अच्छे से आपको उसके बारे में समझाता है, बताता है और ये भी दिखाता है कि कौन सा सीट कवर आपकी गाड़ी में डलना चाहिए और कौन सा सही रहेगा। अब ये जानकारी बाहर नहीं मिल पाती, इसीलिए मैं ये बोलता हूँ कि जेन्युइन एक्सेसरी से जेन्युइन ही डलवाना चाहिए। अब कार के मैट्स को ही ले लो, बहुत सारे लोग बाहर से डलवाते हैं क्योंकि उन्हें लगता है बाहर से सस्ता डलता है, लेकिन जो मैट बाहर से डलवाया जाता है ना उसकी फिटिंग कभी भी प्रॉपर नहीं आ पाती। अक्सर मैंने लोगों से सुना है कि मैट पैडल में फंस गया है, कभी ब्रेक पैडल में फंस रहा है, कभी एक्सेलरेटर में फंस रहा है, ये दिक्कतें आती हैं। लेकिन जो जेन्युइन मैट होगा ना उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होगा, जेन्युइन प्रॉपर फिट आएगा। और मारुति के जो मैट्स होते हैं इनमें ना हुक लॉक मैकेनिज्म दिया होता है, मैट प्रॉपर फिट हो जाता है, कभी भी इधर उधर नहीं जाता। इसलिए मैट भी भाई अंदर से डलवाना चाहिए, यानी कि एजेंसी से जहाँ से आपने गाड़ी खरीदी है, बाहर से कभी नहीं डलवाना चाहिए। तो मैं तुम्हें भी बाहर से नहीं डलवाने दूंगा, मैट तो यहीं से डलेंगे। एक और चीज़ बताता हूँ, ये गाड़ी में ज़रूर लगवाना है। देखो ये है डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर। अब ये करता क्या है, बहुत काम की चीज़ है। अब हम जब गाड़ी चलाते हैं जाने जाने में कई बार एक्सीडेंट हो जाता है, कई बार ऐसा होता है कि हमारी गलती नहीं होती, लेकिन ये सब रिकॉर्ड करेगा और जब कभी कहीं पे हमें प्रूव करना हो कि भी गलती हमारी नहीं है, इससे फुटेज निकाल के हम दिखा सकते हैं। अब ये जेन्युइन क्यों डलवाना चाहिए, वो इसलिए क्योंकि जेन्युइन डिजिटल वीडियो रिकॉर्डर को फिट करने के लिए वायर्स में किसी तरह की कटिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती, लेकिन जो बाहर से डलता है ना उसमें वायर्स में कटिंग करनी पड़ती है, तो मतलब वो सेफ नहीं होता। जेन्युइन जो है वो बिल्कुल सेफ रहेगा, रिलायबल रहेगा और बढ़िया तो होगा ही, इसलिए भाई ये जरूर लगवाना है तुम्हारी गाड़ी में, तो मैंने जरूर फिट करवाना। चलो अब तुम्हें अलॉय व्हील्स के बारे में बताता हूँ। यार पाजी, अलॉय व्हील्स को मैं बाहर से डलवाऊंगा। क्यों? मेरी बात हो रखी है। अरे नहीं यार, मैं बताता हूँ यहीं से डलवाना है, उसका रीजन बताता हूँ मैं तुमको। तुम्हें पता है कंपनी जो अलॉय व्हील डिज़ाइन करती है बहुत रिसर्च करने के बाद डिज़ाइन करती है, मतलब आपकी गाड़ी के हिसाब से अलॉय व्हील को बनाया जाता है। दो तरह के अलॉय व्हील्स होते हैं, एक पेंटेड होते हैं, एक मशीन्ड होते हैं। अब इनका वेट और रेशो भी काफ़ी मायने रखता है। बाहर से जो आप डलवाते हो ना, अब उसका क्या वेट है, किस हिसाब से डिज़ाइन हुआ है, उसकी कोई गारंटी नहीं होती भाई, पता नहीं क्या डल रहा है। जो कंपनी का होगा, मतलब जो जेन्युइन एक्सेसरी से डलवाओगे, वो बहुत ही बढ़िया होगा और हाई स्टैंडर्ड मटेरियल उसमें इस्तेमाल किया गया होगा, इसलिए ये भी मतलब यहीं से डलवाएंगे, मैंने बाहर से तुम्हें डलवाने नहीं देना भाई। अच्छा भाजी, ये तो मुझे पता नहीं था। हाँ, तो भाई ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता है। अब इसके अलावा और भी कई सारे प्रोडक्ट्स होते हैं, जैसे कि टायर इन्फ्लेटर है, प्रेशर वॉशर है, वैक्यूम क्लीनर है, या लाइफस्टाइल एक्सेसरीज हो गई, ये सब भी जेन्युइन डलवानी चाहिए क्योंकि हाई स्टैंडर्ड मटेरियल होता है इसमें यूज़ किया, जैसे मैंने पहले बताया, ठीक है। फिर क्वालिटी बहुत अच्छी होती है, ड्यूरेबिलिटी की कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत बढ़िया रहती है। यही रीज़न है जेन्युइन एक्सेसरीज को डलवाने का। बाहर से मिलने वाली चीज़ों का कुछ नहीं कहा जा सकता कि वो कैसी हैं कैसी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हें फोर्स कर रहा हूँ कि यार यही डलवाओ, ठीक है। अब बताओ कोई है कन्फ्यूजन? नहीं भाजी, अब तो मैं यहीं से डलवाऊँगा एक्सेसरी। बहुत बढ़िया, चलो डलवाओ तब तक तुम। फिर
देखा दोस्तों, इन भाई साहब का जो कन्फ्यूजन था वो तो मैंने दूर कर दिया। अगर आप भी कन्फ्यूज हैं तो ये वीडियो आपके लिए था। जेन्युइन एक्सेसरीज क्यों इंपॉर्टेंट है वो सब मैंने आपको बताया ही, और आफ्टर मार्केट एक्सेसरीज कैसे आपकी गाड़ी को नुकसान पहुंचाती हैं या फिर कैसे सेफ नहीं होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बतानी भूल गया वो भी बता देता हूँ। अगर आप अपनी गाड़ी में 20,000 रुपये से ज़्यादा की एक्सेसरीज डलवाते हैं, उसका पेमेंट आप क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं और उसकी ईएमआई भी बन सकती है, और उस ईएमआई पे कोई भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा। ये मुझे बहुत कमाल का लगा है। अब सोच लीजिए, फैसला आपका है। सारा कन्फ्यूजन मैंने उनका दूर करा है, आपका भी आई एम श्योर हो ही चुका होगा अभी तक कन्फ्यूजन दूर। इसलिए मारुति की गाड़ी खरीदें तो मारुति सुजुकी जेन्युइन एक्सेसरी से जेन्युइन एक्सेसरी ही डलवाएं, क्योंकि वही आपकी गाड़ी के लिए सही है। कैसी लगी आपको हमारी जानकारी हमें बताइएगा। अगर आपका कोई सवाल है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जल्द मुलाकात होगी किसी नई गाड़ी के साथ, ऐसी किसी नई जानकारी के साथ। देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी।